मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? खाना खाया? मैं ठीक हूँ जी, खा लिया। और काम का क्या चल रहा है? टीवी इंडस्ट्री खुलने में तो टाइम है माँ, तो काम तो अभी नहीं मिलेगा। आप फिक्र मत करो, आई फाइंड अ वे। आई टोल्ड यू नॉट टू एंटर दिस स्टूपिड इंडस्ट्री। यहाँ काम का तो कोई भरोसा है नहीं, हैं? अपने भाई की तरह गवर्नमेंट जॉब करी होती ना तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। माँ फिर से वही सब बात करने का क्या फायदा? You don't worry, I'll figure out something. सुन, you better figure something. मेरे पास नहीं है तुझे पैसे देने को, और बेटा वहाँ नहीं हो रहा ना तो घर वापस आ जा। शर्मा जी के बेटे से ना कल ही तेरी शादी करा दी। माँ शर्मा जी के बेटे की अगर सही समय में शादी हुई होती ना तो मेरे जितने बच्चे होते उसके। और बेटा अगर तूने अभी शादी नहीं की ना तो तेरे बारे में भी लोग यही बोल रहे होंगे। वैसे अरे लेकिन बात ही करना बेकार है। हेलो सपना जी, कैसे हो आप? हाय राजेश जी, मैं बस आपको फोन करने का ही सोच रही थी। बस सोचते रहते हो आप, करते कभी नहीं हो। जी वो आई नो रेंट में थोड़ा लेट हो गया है, बस एक हफ्ता दे दीजिए, लास्ट छूट के पैसे आने वाले हैं, आते ही दे दूंगी। छोटी बात कर देते हो आप, आपका रेंट माफ करने के लिए ही फोन कर रहा था मैं आपको। रियली राजेश जी, अगर आप ऐसा कर देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। वो कर लो बात, अब हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? थैंक यू सो मच राजेश जी। थैंकफुल होने वाली बात नहीं है, जैसे मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ वैसे ही आप मेरे लिए कुछ कर दो। जी बिल्कुल, बोलिए ना, मैं बिल्कुल करूँगी। बस एक रात गुजार लो मेरे साथ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजेश जी? हाँ ऐसे ही राजेश जी कहना, 2 मिनट में काम हो जाएगा। आपकी अपनी बेटी है, बीवी है, आपको शर्म नहीं आई ऐसी बातें करते हुए? साली मेरे परिवार का नाम मत ले अपने मुंह से। 2 कौड़ी की एक्टर इतना क्या घमंड दिखा रही है? मैं प्यार से पूछ रहा हूँ तो सर पे चढ़ेगी क्या? मेरे पैसों का इंतजाम कर वरना घर में घुस के वसूल करूंगा। आप मैं क्या जानता नहीं तुझे? 2000 में सोती है तू, मेरे सामने सती सावित्री बन रही है। रुक तू, वहीं आके बताता हूँ तुझे। परम जी कैसे हैं आप? कोई ऑडिशन मिला? अरे मिला ना, एक बहुत ही बढ़िया काम ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। 1 दिन का शूट है और 1 लाख रुपए मिलेगा आपको। रियली? ऐसा क्या काम है? अरे उनको आपका चेहरा, आपकी बॉडी, आई मीन आपकी फिजिक
इतनी पसंद आई है ना, जापान की एक बहुत ही बड़ी लिंगरी कंपनी है, मैंने खुद 100 फोटोग्राफ भेजे थे, उसमें से उन्होंने आपको सेलेक्ट करा है बस। लॉन्जरी? नहीं नहीं परम जी, मैं लॉन्जरी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या सपना जी, आपको मालूम है ना इंडस्ट्री के हालात, वैसे ही शूटिंग में कम लोगों को रख के शूटिंग करने को बोला है, ऊपर से आप जैसे सेकेंडरी आर्टिस्ट लोग इतना ड्रामा करेंगे तो बताइए कैसे चलेगा, कैसे रहेंगे आप मुंबई जैसे शहर में सपना जी। I told you not to enter this stupid industry. यहाँ काम का तो कोई भरोसा है नहीं। मेरे पैसों का इंतजाम कर, ना घर में उसके वसूल कर दूँगा। हेलो मैडम, कहाँ गुम हो गई आप? नहीं नहीं, वो प्रिंट का एड है या वीडियो का? प्रिंट एड है सपना जी, एक वीडियो कॉल पे ऑडिशन लेंगे आपका, और आप सोच लीजिए सपना जी, वैसे भी लाइन में बहुत लोग लगे हैं काम के लिए। आप नंबर भेज दीजिए, मैं बात कर लेती हूँ। हाँ ये हुई ना बात, अभी मैं आपसे डिटेल शेयर करता हूँ उनकी। ओके Hi, how are you? Guess what? I got a main lead in a web series. I am so excited. Yay. Wish me luck, friend. All the best. All the best. तू कैसी है? तुझे कोई काम मिला? हाँ वो। I know, shooting अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई है और तू इतनी बड़ी एक्टर तो है नहीं जिसे फोन आ रहे होंगे, मुश्किल तो होगी। चल तेरे बारे में छोड़, पता है समीर को बहुत अच्छा रोल मिला है, उसकी भी किस्मत है, तू उसे मुंबई लेकर आई, उसे रोल दिलवाए, और वो आज कहाँ और तू कहाँ। नहीं नहीं, मुझे भी बहुत अच्छे काम मिल रहे हैं, आज ही मेरी जापान की एक कंपनी के साथ ऑडिशन फिक्स हुआ है। लॉन्ड्री के लिए? नो नो नो, दे आर इन टू नीड रोप्स। Whatever. Good for you. Take care, babes. Toodles. Milte rehna, huh? Hello, sir. Yes, sir. I've done a couple of TV shows. Yeah, modeling as well. Really? Thank you so much, sir. Thank you so much. Not like this. Go on. I'll do my best. Let's do it. Hello, sir. Sir, I can't see you. हाँ वो मेरा कैमरा नहीं चल रहा। It's okay, मैं आपको देख सकता हूँ। Let's not waste time and continue. Okay, yeah. So, sir, I've done a couple of TV shows and a few ads. I had already mentioned in my resume. What else would you like to know? हाँ हाँ हाँ, वो सब ठीक है। Actually, I want to see you. खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जी। एक सेकंड। अरे कैमरे का एंगल इस तरीके से रखिए कि आप मुझे पूरी नजर आए। या जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अरे ये क्या, आपने स्कर्ट ऊपर से शर्ट, लॉन्ड्री का ऐड है मैडम, वी नीड टू सी योर बॉडी, कम ऑन रिमूव योर क्लोथ्स। व्हाट? अरे व्हाट मतलब, नहीं करना तो बताना चाहिए था ना, और भी बहुत लोग लगे हैं लाइन पे। नहीं सर। अरे फटाफट कीजिए मैडम। अपने भाई की तरह गवर्नमेंट जॉब करी होती ना तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। पता है समीर को बहुत अच्छा रोल मिला है, उसकी भी किस्मत है, तू उसे मुंबई लेकर आई, उसे रोल दिलवाए, और वो आज कहाँ और तू कहाँ।
अरे चलिए मैम चलिए, कितना टाइम ले रही हैं आप? हाँ वेरी गुड, चलिए स्कर्ट उतारिए जल्दी से। मैडम लॉन्ड्री की ऐड है, बार बार बताएं क्या आपको? वेरी गुड, चलिए आप आउट करके दिखाइए। वेरी गुड मैडम, चलिए चलिए जल्दी टर्न होइए। मैम कम ऑन टर्न, आई नीड टू सी दोस बम्स, कम ऑन मैम टर्न टर्न। आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट नॉट कंफर्टेबल, आई कांट इवन सी यू। अरे ऑडिशन आपका है मेरा, मुझे आप बराबर दिख रही है, फटाफट कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकती तो मुझे बताइए, मैं किसी और को पूछता हूँ। नहीं नहीं सर। ब्रा उतारिए। व्हाट? अरे स्ट्रैप हटाइए स्ट्रैप, मुझे आपकी कॉलर बोन देखनी है। अरे बाल पीछे कीजिए। अरे मैडम इतना बिल्डअप लेने की क्या जरूरत है, जल्दी कीजिए ना। वेरी गुड, टर्न हो जाइए मैडम, चलिए जल्दी टर्न होइए। हुक खोलिए मैडम, आई नीड टू सी द बैक, चलिए हुक खोलिए। वेरी गुड मैडम, ये हुई ना बात, चलिए वापस टर्न कीजिए। जाने मन, हाथ अटैक के बाकी तो दिखा। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। अरे तू मुझे बताए कि बदतमीजी क्या होती है? तेरे जैसी बहुत खड़ी है लाइन पे, और ना तेरी सूरत पसंद है ना कुछ। चल चल मेरा काम हो गया, हट। क्या बोले जा रहे आप? क्या बोले जा रहे? Thank you.
आपका वीडियो देखा, हमें सामने सामने दिखा देते तो आपका रेंट माफ हो जाता ना। खैर छोड़ो, मुझे तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी वाइफ वो तुझ जैसी लड़की को अपने घर में नहीं रखना चाहती। तो अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल मेरे घर से, 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ तुझे। इतना क्या सोच रही है? Just do it. कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। Nobody wants you. किसने उसे बाहर जाएगी ना? You know what? You're such a loser. अब तुझे कौन काम देगा? अच्छा, पॉर्न स्टार बनेगी? यू बैड एक्टर, यू सैड ह्यूमन बीइंग, यू नो व्हाट, यू नॉट वर्थ दिस लाइफ, जस्ट किल योरसेल्फ, डाई, डाई, डाई। आज सुबह एक और टीवी एक्टर ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। जान देने का कारण फाइनेंशियल क्राइसिस बताया जा रहा है। वह अपने कमरे में लटकी हुई पाई गई। अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो बस बस। फिर भी थैंक यू। No, I didn't kill myself. I know, life में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए, कोई उपाय नहीं है। But then, मुझे मेरे पेरेंट्स की शक्ल याद आ गई। क्या होता उनका? जिंदगी भर वो यही सोचते रह जाते कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों, मैंने हेल्प क्यों नहीं मांगी। लाइफ बहुत छोटी सी है, प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी आती हैं, बट देन एवरीथिंग पासेस। डोंट लेट योर प्रॉब्लम्स चेज यू, इंस्टेड लिसन टू इट, टॉक टू इट, सिट विद इट, रिस्पेक्ट इट, अल्टीमेटली सब ठीक हो जाता है। हर प्रॉब्लम का रास्ता मिल जाता है। आई प्रॉमिस, I am ready to fight the world again. Are you? Sometimes all you need to say is, I need help. Giving up? Don't.
ask for it. सपना जी ने कमाल कर दिखाया है। उनके बयान व प्रूफ के तहत परम सिंह को कास्टिंग काउच एक्ट में 2 साल की सजा मिली है व उनका लाइसेंस भी जब्त किया गया है। सिर्फ यही नहीं, उनकी अश्लील वीडियो बनाने व डिस्ट्रीब्यूट करने के जुर्म में मिस्टर ओब्रॉय को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने अपने मकान मालिक मिस्टर राजीव दत्ता के खिलाफ भी केस फाइल किया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर उन्हें कड़ी सजा सुनाई जाएगी।